हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने सारे आइटम यहाँ से हटा के थोड़ा टाइम वेस्ट किया है ऑफ कैमरा। मैंने फार्मिंग का यहाँ पर रख दिया है और मेन क्राफ्टिंग एरिया इस तरफ कर दिया है। और कुछ चीज़ें मैंने खोल दी है, जैसे ये वाला जो वेंडिंग मशीन था, और मैं ये मेटल प्रेस भी बना रहा हूँ। इट्स ऑलमोस्ट डन। मेरे को 3 ऑयल चाहिए था, मैंने रेडी कर दिया है। और मैंने थोड़ा क्लीन अप भी किया था, इधर इधर उधर कलेक्ट वगैरह कर लिया है। तो फॉर नाउ, और मैंने कुछ मशरूम्स, नाइट शरूम्स भी कलेक्ट कर लिए हैं 12 के 12। तो पहले हम ट्रेड कर लेते हैं अपने डांस शर्ट। तो ये हम जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उधर ही था, माय बैड, भूल गया मैं चेंज। तो हम नाइट डांस शर्ट, नहीं यार बकवास लग रहा है, तो यही ठीक है। विल स्टिक विद आवर ओल्ड यूनिफॉर्म, ईस्ट और वेस्ट, दिस यूनिफॉर्म इज द बेस्ट। और जैसे कि आप देख रहे हो, फार्मिंग भी मैंने बहुत चेंज कर दिया है, इस तरफ कर दिया है। 4-2 एक्स्ट्रा बना दिए हैं मैंने, और पूरा यहाँ पे एक अलग बॉक्स रख दिया है इसके लिए, जहाँ पे पानी और फार्मिंग का आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे वापस हमारा जो पुराना फील्ड किचन था, कैंप फायर, उसको फील्ड किचन हमने बना दिया है। और जब तक हमारे पास फिश है, आई गेस ये फिश स्टेक मैं रेडी करते रहूँगा। दूसरी बात, ये 3 ऑयल कैन, यस ऑयल कैन, हम चलो हम ये मेटल प्रेस कंप्लीट कर लेते हैं अभी। ऑयल कैन देखे, नाइस। तो इसमें हम बना क्या सकते हैं? अपग्रेड प्लैंक्स, नॉट इनफ बायोमास, नॉट इनफ स्क्रैप मेटल। तो 4 बायोमास देके एक प्लैंक बना सकते हैं, 4 स्क्रैप देके एक शीट मेटल बना सकते हैं। और इसको हम अपग्रेड करते हैं, क्योंकि आई थिंक अपग्रेड करने के बाद वी विल हैव गुड आइटम्स। तो ऑयल कैन 2 चाहिए, और 2 बैटरी। बैटरी हमको अभी आई डोंट थिंक वी कैन क्राफ्ट इट, बैटरी हम क्राफ्ट नहीं कर सकते। ओह, वी कैन क्राफ्ट इट, तो फोम पैनल चाहिए, फोम, वी कांट क्राफ्ट इट, नहीं बना सकते। तो इस बार इसे एक बार बात कर लेते हैं, इससे पहले कि मैं अपना प्लान बताता हूँ लोगों को। कॉफ़ी बीन्स, ओके मैं समझ गया। कॉफ़ी बीन्स तो हमको उधर ही मिलेगा। तो अभी हमारा प्लान ये है कि जब हमने ये सब ड्रिल वगैरह अक्वायर किया था, तो हम इसको भी निकाल सकते हैं अभी। तो आई गेस वहाँ पे जो एरिया है नीचे वाला, आई थिंक वी कैन अनलॉक दैट नाउ। ओह, टेम्पर ड्रिल चाहिए, तो आई गेस वी कांट अनलॉक इट। चलो कोई बात नहीं, वी हैव अदर थिंग्स टू डू। सिंस हमने हमारा स्मार्ट टावर, जो स्विगी, हमारा खुद का स्विगी हमने बना ही लिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम एक होल्डर को ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को। हेलो, अरे भाई क्या हो गया? हेलो, आई थिंक गेम अटक गया है। स्टार्ट एक्सपेडिशन अगेन, आई होप इट वर्क्स इस बार। यस, छोटा सा बग था। हाँ, अभी जैसे कि आप देख रहे हो,
हम जितना अपने स्मार्ट टावर को जो अपने स्विगी को लेवल अपडेट करेंगे तो हमारा एक नया रीजन भी अनलॉक होगा। एंड जबकि मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ तो यू कैन सी ये सब आगे आने वाले हैं, जबकि ये अर्ली एक्सेस में का गेम है, मैंने आपको बोला था पहले भी। और ये हम पार्क वाला सेशन हम खरीद सकते हैं यू कॉइन से, क्रिप्टो कॉइन से। ये क्रिप्टो कॉइन कैसे इकट्ठा करते हैं अभी के लिए तो हमको पता नहीं है, दूसरा हम देखते हैं। अभी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था स्टैंड द होल्डर, उसके पास जाना है, उससे बात करनी है। फाइनली ए कस्टमर, एंड हियर आई वाज थिंकिंग आई वुडंट बी टर्निंग ए प्रॉफिट दिस वीक और मंथ और ईयर और अंटिल माय बैटरी रन्स ड्राई। बाय द वे आई जस्ट ड्रॉप माय प्राइसेस फ्री, थैंक यू विथ योर परचेस, सो गो क्रेजी। अरे इसको पूछते ये है कौन। आई यूज टू वर्क एज एन अकाउंटेंट एट यूनिकॉर्प, एवरी डे आई ड्रीम्ड ऑफ ओपनिंग माय ओन कोजी लिटिल एंटीक स्टोर, स्ट्रोक ऑफ लक, एवरी आइटम इज एन एंटीक दीज डेज, माइक्रोवेव भी एंटीक है, कैटल भी एंटीक है, भाई साहब बढ़िया है। तू अपना सामान लाता कहाँ से, सप्लायर्स है इसके पास बहुत सारे, इसके ड्रोन्स लेके आके इसको देते हैं, बढ़िया। चलो ट्रेड करते हैं इसके साथ। तो ट्रेडिंग के लिए वी नीड कॉइन्स और वी डोंट हैव कॉइन्स, वाओ। ये रहा इसके पास ड्रिल बिट, इससे पास से लेना पड़ेगा हमको ड्रिल बिट और ये प्रोग्रामेबल कोर हमारे छोटे से मिनियन बनाने के लिए, बट वी कैन डू इट राइट नाउ। कोई तो विल गो टू क्रैश एयरप्लेन, क्योंकि लास्ट टाइम हम गए नहीं थे वहाँ पे, तो विल गो एंड चेक व्हाट इट इज़। ओह क्या बात है, कैमरा तो मैं घुमा नहीं सकता। कार्गो प्लेटफॉर्म चाहिए इनको, चलो ढूंढते हैं क्या है इसमें। डिसमेंटल, ओके वेरी नाइस, डिसमेंटल इसको भी और इसको भी, चलो अंदर चलते हैं। ओ डू यू हियर द राउसिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट जॉइनिंग द मेलोडी, दैट्स अ हीरो अपीयरिंग टू हेल्प द डिस्ट्रेस इंस्टेंसल। आई थिंक कोई है कॉकपिट में, कोई बैठा है। सी दिस पर की दिस की फैंस हु टोर माई सिक्योरिटी टू बिट्स, इनको निकालना है क्या। चलो डार्लिंग को जो टेंशन निकाल देते हैं, पावर डाल के कूल। हमने सूटकेस गिरा के उस कीड़े को भगा दिया, कॉकपिट में बैठा है, उसको बचाने जाना है। तो देखते कौन है, ये क्या है, यूनिकॉर्प न्यूज़ आर्टिकल, अ पैशन इन कॉसमोपोलिस नेवर कूल्स, इन फेमस फिल्म एंड म्यूजिक स्टार रेट्रो डिवा मैरी क्वीन वाज स्पॉटेड इन आर्म इन आर्म विद एन इनकम्पेरेबल अगेन रिडेक्टेड, मतलब उसका नाम रिमर्स बाउंड टू। ये तो आई थिंक कोई एक्ट्रेस की स्टोरी है, हमको ना कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। कॉकपिट में है कौन उसको देखते हैं। यू कैन गेट इन टू कॉकपिट विदाउट एक्सेस कोड, उसके एंड्रॉयड के पास है, उनको ढूंढना पड़ेगा। अरे यार हर बार आई थिंक कहाँ पे था एंड्रॉयड, बाहर ये बेटा कॉस्मोपॉलिटन प्लेन टिकट विथ सिल्वर विंग्स ऑन इट रिप्ड, सो आई वांट टॉक टू द बोर्डिंग गेट, कोई नहीं ये तो नहीं है। गो बैक, नीचे जाओ, ये वॉइस मैसेज, कम इन एको बेस, डू यू कॉपी, दिस इज मार्किन ब्रांडो प्लेन, प्लीज रिस्पॉन्ड, वी प्लान टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग इन कॉस्मोपॉलिस, ऑल द इंजन्स इज ऑन फायर, द टर्बाइन मैट हैज सक्ड in a bird, I can't help it, they have dive bombed, ground control, we are experiencing a fire on board, please respond, losing altitude, so aise crash hua tha ye plane, captain speaking, if the pilots need help, the 4-digit code the cockpit is 26, oh no, 26, baki 2 digits to bol deta bhai, are yaar, 26 hai, first 2 digits, aur आर्टिकल अबाउट डिजिटल इमोर्टालिटी, ये भी हमको नहीं चाहिए, नॉट ए गुड क्लू। टू सिक्स बताया गया है कोड, इधर एक और एंड्रॉयड पड़ा है 26, तो वी नो इट्स 26,
ये रहा एक और एंड्रॉइड कोर टिकट है और अभी वाइल टिकट इज स्टेन एट द सेम सो यू कांट सी द डेस्टिनेशन कॉस्मो पॉलिटिशियन है डेस्टिनेशन अभी क्या करें इसके पास देखते हैं लकी टिकट इट सेज 19 I guess 2619 क्या करता है हाँ यार ये 2619 हो गया चलो देखते कौन है अंदर कॉकपिट में ओ रोबोट ओ ये जुक बॉक्स है हाँ आई गेस ब्यूटीफुल इन दिस नाइटमेयर वी वेर फर्स्ट पार्ट आई वांटेड टू बिकम द जुक बॉक्स ही यूज्ड ओपन द चैट डार्लिंग एंड आई विल सेंड यू अ किस बी ग्लैड To help Madame Mademoiselle, but I barely know you. You don't know who I am. Perhaps you haven't seen me before. Oh, तो वो हीरोइन को इस जुकबॉक्स में डाल दिया है. Oh my God. जैसे कि हमारे वो Samsung refrigerator को डाला था. तो इसका नाम रखते हैं हम सारेगामप्पा. सारेगामा. कारवा. कारवा. Yes. Not सारेगामप्पा. Turn this over again. I can sing jazz ballad. देखते हैं चलो. इसको उठा के आना पड़ेगा क्या? I don't want to pick it up. But let's see, गेम बोलेगा तो उठा के लाना पड़ेगा कोई नहीं we'll see what's happening. हाँ इसको उठा के लेके आ ही गया वो बॉट do you understand darling the loading platform can you find me a stage you can move characters around the roof to select the character you want to move okay ठीक है बढ़िया तो हम हमारे एरिया में लेके जाते हैं अभी के लिए इधर रख दो फार्म फॉर माइनिंग मनी माइनिंग फार्म वुड बी सो यूजफुल यू कॉइंस हाँ उसको बोलते हैं यू कॉइंस ओ इसने क्रिप्टो फार्म का ब्लूप्रिंट दिया है वेरी नाइस ये देखो मिनियन जो मैं बोला था इसके लिए प्रोग्रामर कोड चाहिए और आई गेस अभी जो क्रिप्टो फार्म का इसने हमको ब्लूप्रिंट दिया है वी कैन मेक दिस नाइस करना तो कुछ और था पर कोई नहीं हम अभी क्रिप्टो फार्म ही कर लेते हैं लेट्स गो बैक हम हमारा एक क्रिप्टो फार्म सेटअप कर लेते हैं पहले और कुछ था इधर नहीं नहीं और इसको कॉफ़ी बीन चाहिए आई डोंट नो व्हाई ही वांट्स कॉफ़ी बीन बोल रहा है कॉफ़ी बीन रेसिपी बनाओ मेरे लिए वाटर वाटर एंड मोर वाटर बैकपैक ओपन हो जाए भाई सीड्स डाल देते हैं और वाटर बॉटल्स डाल देते हैं ये हम उधर जाएंगे तो काम आएगा मशरूम्स तो अभी चाहिए नहीं है So, delete the biomass. No point in keeping the biomass. Plastic. No. Wrong place. Oh, mushrooms. Cool. Plastic. इधर चले जाओ. And I think crypto farm. तो तेरे को भी पानी चाहिए क्या भाई? तेरे ही बोल देता ना. Cool. क्रिप्टो फार्म लेट्स मेक अ क्रिप्टो फार्म इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा मैकेनिकल प्रेस तो मैंने बना ही लिया है पर आई डोंट थिंक इतना यूज़ आएगा इसको बनाने के बाद आई थिंक इसको हम बोल सकते हैं कि जाके उठा के सब सामान अंदर रखते और ये मेटल स्टोरेज और प्लैंक स्टोरेज बनाने के बाद भी और ईजी हो जाएगा हमारे लिए दैट्स वेरी गुड इलेक्ट्रिक पोल्स भी मैंने डिस्कवर किया था लास्ट टाइम आई थिंक मैंने ऑफ कैमरा किया है या ऑन कैमरा किया है मेरे को याद नहीं है अभी के लिए Let's make a crypto farm. We'll make it right here. Cool. अभी इसको बनाने के लिए चार light bulb, तीन microchip, दो sheet metal और तीन fluid. एक metal और ये दूसरा metal हो गया. निकाल लेते हैं. चार light bulb, a microchip और ये fluid.
आई थिंक ये और ये. Wait a second, that's it. The crypto farm needs a power supply. I have to put together a simple biogenerator with nuts and bolts as a tradition I'm used to it. Nice. तो इन सब के लिए इसको ब्लू प्रिंट चाहिए था और बायो जनरेटर खुद बना सकता है. भाई तो यस वील हैव टू मेक अ जनरेटर. इस पर भी काम करना है. आई थिंक एक एपिसोड पूरा इसी पे मैं लगा लेता हूँ. आई होप एक एपिसोड में हो जाएगा वो पूरा. लेट्स गो टू जनरेटर्स. मिलियंस नहीं. मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी यस. बायो जनरेटर वन मैट्रिक्स टू लाइट बल्ब ये भी मैं बना सकता हूँ अभी के अभी. इधर रख देते कूल. कंस्ट्रक्शन पैनल मैट्रिक्स टू शीट मेटल टू बल्ब. मैट्रिक्स मेरे पास आई गेस एक है. शीट मेटल आ गया. No mattress. No mattress, but I have to make one. And light bulb. Mattress, light bulb. Biogenerator can generate electricity. Just make sure that it has enough fuel. Connect. Open the panel. Select a socket. Then click on the structure you want to connect. You'll need a spool of wire. Disconnect. You can always break the connection via the electric panel. Okay. It's a pleasure to introduce you to the one and only new host of the Handyman Club. Fuel. ऑर्गेनिक मैटर सो बायोमास. ओ बायोमास यहाँ पे काम आता है. चलो कोई नहीं. नाउ आई जस्ट यूज द केबल टू इंट्रोड्यूस एक्सक्यूज मी जनरेटर टू द क्रिप्टो फार्म. दैट विल बी इट. तो आई गेस इलेक्ट्रिक वायर चाहिए होगा. वायर मेरे पास है थोड़ा बहुत. आई होप इट वर्क्स. 20 और बड़ा वायर मेरे पास. अभी बल्ब की तो ज़रूरत नहीं है. एंड I guess. Oh yes, biomass. I'll take biomass from here. Oh. So add all. तो मैंने कितने डाला अभी? 15. Add alternative fuel module. Oh, तो 40 flower डाल सकते हैं biomass की जगह में. कोई बात नहीं. Start wiring. Connect. चलो हो गया. एज लॉन्ग एज दिस एनर्जी इन द वायर जनरेटर द क्रिप्टो फार्म में ऑपरेट. चलो नाइस. अरे भाई तू वापस आ गया यार. इसको ना क्या ही बताऊं तुम लोगों को. क्रिप्टो फार्म में अपग्रेडिंग अपग्रेड. इसको अपग्रेड के लिए बैटरी और ट्रांसफार्मर चाहिए. बैटरी के लिए मेरे को वर्क बेंच अपग्रेड करना पड़ेगा. इसको अपग्रेड के लिए मेटल फ्रेम चाहिए विच आई कांट मेक राइट नाउ. इसके अपग्रेड के लिए चाहिए फोम पैनल. फोम पैनल और दो बैटरी. गोना बी वेरी डिफिकल्ट पर I hope मैं कर पाऊँ. बाकी लेटस बेरीज और बायोमास वापस इधर चले जाओ. एंड देन फ्रेश वाटर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. होगी तब देखी जाएगी क्योंकि हम कोई हम जूस वूस तो बना ही नहीं रहे हैं. तो फ्रेश वाटर को इधर ही रख देते हैं. एंड बकेट ऑफ वाटर को भी इधर रख देते हैं. स्लाइम उधर फुल है स्टोरेज तो इधर रख देते हैं. एम्प्टी वाटर बॉटल चाहिए ही चाहिए हमको. कलेक्ट यू कॉइंस. ओके तो हमको अभी वेट करना पड़ेगा थोड़ा टाइम सो दैट दिस थिंग डज इट्स जॉब. और सेकेंडरी बात एक्सपेडिशंस पे भेजना पड़ेगा ड्रोन को. उससे पहले एक काम करते हैं हम. विल गो गेट सम वाटर जस्ट इन केस. तो वाटर लाने के बाद आई गेस
एपिसोड को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में एक्सपेंडिशन ड्रोन को भेज के थोड़ा और आइटम कलेक्ट कर लेते हैं और विल ट्राई टू डू समथिंग मोर एक्स्ट्रा। विल मेक सम, मैं ऑफ कैमरा दो स्टोरेज बना लेता हूँ एरिया जहाँ पे मैं इन सारे इधर उधर गिरे हुए मेटल शीट वगैरह को मैं उठा के उधर अंदर रख सकूँ एक जगह पे, ताकि थोड़ा टाइडी लगे सारा। एंड वाटर, और यहाँ पे बेरीज। फिशिंग हम करेंगे अगले, मैं ऑफ कैमरा कर लूँगा एपिसोड की ज़रूरत नहीं है फिशिंग की। तो थैंक यू गाइस, हमने क्रिप्टो फार्म चालू कर लिया है बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी के, तो थोड़े दिनों में हम अमीर होने वाले हैं। थोड़ा स्प्रे लगा लेता हूँ, बस मोर्टिन जिंदाबाद। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में।